हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेंचर कैपिटल। इसका पार्ट वन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हमारी पिछली दो टॉपिक पे जो वीडियोस बनाई थी वो आपने ज़रूर देखी होंगी, फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पर। अगर आपने नहीं देखी हैं तो इसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। डिस्कस करते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल है क्या, पहले इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं। देखिए, वेंचर कैपिटल क्यों शुरू हुई। देखिए, बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो स्टार्टअप के रूप में चलती हैं। आपने स्टार्टअप का नाम तो सुना ही होगा। इन द करंट मोदी गवर्नमेंट स्टार्टअप पर बहुत फोकस किया गया। स्टार्टअप क्या होता है, ऐसी कोई भी कंपनी जो इनोवेटिव आइडिया लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करती है उसे स्टार्टअप कहते हैं। तो जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उनके पास पैसे की बहुत कमी होती है। दिक्कत ये होती है उन कंपनीज के पास, एक तो उनका कोई नेम और फेम नहीं होता, इसलिए बैंक वगैरह उनको आसानी से लोन नहीं प्रोवाइड करते। उनके पास खुद का भी जो पैसा है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, लेकिन उन्हें पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे हालात में जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनको वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करके बड़ा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो जो वेंचर कैपिटल है इसको हम सीड कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि जैसे एक खेत होता है, अब खेत के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम जमीन की बुआई करते हैं, उसके अंदर उसके बाद बीज डालते हैं, फिर बहुत उसकी मेहनत करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, सिंचाई करते हैं, और उसके बाद कहीं जाके फिर वो फसल उगती है और वो यूज़फुल होती है किसान के लिए भी और एज़ वेल एज़ आम लोगों के लिए भी जो उसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो एक बिजनेस स्टार्ट होता है वो बहुत इनिशियल स्टेज में होता है, तो इसलिए उसको भी उसी तरीके से बीज की ज़रूरत होती है जो इन द फॉर्म ऑफ सीड कैपिटल मिलती है। इसको हम और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो बिजनेस होता है वो बहुत एक तरीके से शिशु अवस्था में होता है। अब एक ह्यूमन बींग साइकिल देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत छोटा होता है, वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकता, वो डिपेंड होता है अदर्स पर, जो अदर्स हैं वो उसकी एक तरीके से हेल्प करें, उसको फॉलोअप करें, तो तब जाके कहीं वो बच्चा, उसको फीड करना है, उसको पानी पिलाना है, या हर चीज़ के लिए वो एक तरीके से डिपेंड है अदर्स पर। इसी तरीके से जो स्टार्टअप्स कंपनीज होती हैं वो भी एकदम उसी शिशु अवस्था में ही होती हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरत होती है एक्सटर्नल हेल्प्स की। जब वो बड़ी हो जाती हैं, जैसे वो शिशु बड़ा हो जाता है काफ़ी, तो वो स्ट्रेंथफुल हो जाता है, वो खुद की अपनी रक्षा खुद कर सकता है, अपने काम वो खुद कर सकता है, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है अदर्स पर वो ना के बराबर रहती है, बहुत कम हो जाती है। इसी तरीके से वो बिजनेस जो स्टार्टअप है, जब उसको ये एक्सटर्नल हेल्प मिलती है तो आगे जाके वो ग्रो करता है, और जब वो ग्रो करता है तो उसकी भी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ख़त्म हो जाती है और काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। वेंचर कैपिटल है क्या। वेंचर कैपिटल मीन्स द कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट इन विच देर इज़ अ सब्सटेंशियल एलिमेंट ऑफ अ रिस्क, टिपिकली अ न्यू और एक्सपेंडिंग बिजनेस। वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल टिपिकली प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल आउटसाइड इन्वेस्टर टू न्यू ग्रोथ बिजनेस। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, वेंचर कैपिटल है क्या। वेंचर कैपिटल एक तरीके से एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है जो बहुत ही रिस्की है, अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ, न्यू है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जो न्यू तो नहीं है लेकिन उसको एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, जिसके पास कैश इतना नहीं है, इतना पैसा उसके पास नहीं है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। वेंचर कैपिटल जो है जनरली एक प्राइवेट सेक्टर बिलोंग करता है, प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है, तो एक तरीके से प्राइवेट कैपिटल होती है जो जनरली प्रोफेशनल्स के द्वारा चलाई जाती है। इन्हें हम आउटसाइड इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, जो कि एक न्यू कंपनी को या एक ऐसी कंपनी जो ग्रो कर रही है उसको पैसा प्रोवाइड करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं एज पर सेबी। द सेबी हैज़ डिफाइंड द वेंचर कैपिटल फंड इन इट्स रेगुलेशन 1996 एज अ फंड इस्टेब्लिश इन फॉर्म ऑफ कंपनी और अ ट्रस्ट विच रेजेज मनी थ्रू लोन्स, डोनेशन, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, यूनिट्स एज द केस मे बी, एंड मेक्स और proposes to make investments in accordance with the regulations। देखिए जो सेबी की जो 1996 में जब वेंचर कैपिटल से रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए उसने एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है, अ फंड इस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, यानी कि जो वेंचर कैपिटल है, जो फर्म है वो या तो एक
फर्म के रूप में हो सकती है, एक ट्रस्ट के रूप में हो सकती हैं, कंपनी के रूप में हो सकती हैं। और ये पैसा कहाँ से लेती हैं? ये पैसा रेज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, यानी कि बैंकों से पैसा उठाती हैं, डोनेशंस से लेती हैं, या फिर सिक्योरिटी अपनी इशू करती हैं जिससे इनके पास पैसा रेज होता है, और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करती हैं न्यू कंपनीज में, ग्रोइंग कंपनी में, एज पर जो रूल्स और रेगुलेशन सेबी ने बनाए गए हैं उन रूल्स और रेगुलेशन के दायरे में रहकर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। देखिए पिछली स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया वेंचर कैपिटल क्या है, इस स्लाइड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है। अ वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी इज अ पर्सन हु मेक्स सच इन्वेस्टमेंट्स, दिस इंक्लूड्स वेल्दी इन्वेस्टर, इन्वेस्ट इन बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर पार्टनरशिप्स। यानी कि जो पर्सन या कोई भी पर्सन जो या फर्म या कंपनी जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करती है उसी को हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। जनरली ये वेल्थी इन्वेस्टर होते हैं, काफ़ी रिच इन्वेस्टर होते हैं, जैसे वॉरेन बफेट बड़े फेमस रहे हैं आपके यूएस में, पूरे वर्ल्ड में वो उनका नेम और फेम है। इसी तरीके इंडिया में राकेश झुंझुनवाला बहुत फेमस हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये बैंक्स हो सकते हैं या कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो आपस में एक पार्टनरशिप के थ्रू वेंचर कैपिटल बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं वेंचर कैपिटल जनरली करती क्या है। ये वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या क्या करता है? नंबर वन, फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज। जैसा पहले भी मीनिंग में डिस्कस किया गया, जो नई स्टार्टअप कंपनी होती है उनको बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ऐसे स्टार्टअप कंपनी को पैसा प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो स्टार्टअप कंपनी होती है उनके पास ना तो इतनी असेट्स होती है, उनके पास ना खुद की वेल्थ होती है जिससे कि वो इसको इन्वेस्ट कर सके। हाँ, उनके पास एक इनोवेटिव आइडिया ज़रूर होता है और वो उस इनोवेटिव आइडिया को इस तरीके से करना चाहते हैं जिससे कि जो एक नया, मतलब यानी कि उनके पास पैसा तो नहीं है लेकिन आइडिया बहुत ज़बरदस्त है जो आगे जाके बहुत बढ़िया ग्रो करेगा, और एक ग्रो होने के बाद जो उसका एक तरीके से वैल्यू बनेगी वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। लेकिन उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ से मिलेगा? वेंचर कैपिटलिस्ट से, या फिर ऐसी कंपनी जो इस्टेब्लिश तो हो चुकी हैं लेकिन अभी ग्रो नहीं कर पा रही, नई कंट्री में एक्सपेंशन नहीं कर पा रही, नई मार्केट्स में एंटर नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छा चला सकती हैं, काफ़ी फैला सकती हैं, अपने सेल्स और प्रॉफिट्स को ग्रो कर सकती हैं, लेकिन दिक्कत किस चीज़ की आ रही है? दिक्कत आ रही है पैसे की। और ये पैसा कौन प्रोवाइड करता है? वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड करता है। परचेज इक्विटी सिक्योरिटीज। देखिए वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो किस फॉर्म में पैसा लगाता है? वेंचर कैपिटलिस्ट जो है जो पैसा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी में लगाता है, यानी कि वो आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स बाय करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि उसने इक्विटी में पैसा लगाया है तो आपको उस पर कोई ना तो इंटरेस्ट पे करना है, ना आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस है। अगर कंपनी आगे ग्रो करेगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो नेचुरली बात है आप डिविडेंड देंगे। अगर वो प्रॉफिट्स नहीं होते या प्रॉफिट बहुत कम होते हैं तो आपको डिविडेंड देने की भी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। नेक्स्ट, असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो आपको नए प्रोडक्ट और नए सर्विसेज बनाने में आपको असिस्ट करता है, हेल्प करता है, क्योंकि वो कई स्टार्टअप कंपनियों के साथ वर्क कर रहा होता है, कई ग्रोइंग कंपनियों के साथ वर्क कर रहा होता है, कई प्रोफेशनल्स के साथ वो डिस्कस करता है, तो उसकी जो नॉलेज का लेवल है वो काफ़ी ऊपर होता है। तो इसलिए वो हमें असिस्ट करता है कि हमें किस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, हमें किस तरह की सर्विसेज बनानी चाहिए, मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, किस तरह की सर्विसेज की डिमांड है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। एड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। ध्यान रहे वेंचर कैपिटलिस्ट एक नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं है। जब देखिए आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक जो है वो आपको लोन तो प्रोवाइड कर देता है लेकिन आपके बिजनेस ऑपरेशन में किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसा नहीं होता। वेंचर कैपिटलिस्ट ना केवल आपको पैसा लगाता है, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है उसको रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको टेंशन ज़्यादा होती है, तो वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेशन करता है, वो पैसिव नहीं होता। वो हर तरीके से कोशिश करता है आपका बिजनेस ग्रो करे, इसके लिए वो आपके लिए क्लाइंट्स ढूंढ के लाता है, आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट सर्च आउट करता है, आपकी मीटिंग्स करवाता है इंडस्ट्रीज से, जिससे कि आपका बिजनेस जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल। क्या क्या फीचर्स हैं? नंबर वन, हाई रिस्क। ध्यान रहे जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या यूँ कहें कि वेंचर कैपिटल का मतलब ही रिस्क है, जबरदस्त रिस्क है। किस तरीके का रिस्क है? सबसे बड़ा इसमें चार तरह के रिस्क होते हैं।
सबसे पहला रिस्क आता है आपका मैनेजमेंट रिस्क। मैनेजमेंट रिस्क किस टाइप का है? मैनेजमेंट रिस्क इस टाइप का है जो मैनेजमेंट जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो अगर मान लीजिए सही ढंग से नहीं कर पाती उस कंपनी की मैनेजमेंट, आपस में उनका जो टीम वर्क नहीं बन पाता या मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंट है तो बिजनेस डूब जाएगा, जिससे आपका पैसा भी डूब जाएगा। दूसरा रिस्क आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब है कि जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो उस समय मार्केट की क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगी, उस वक्त मार्केट किस कंडीशंस में होगा, उस टाइम मार्केट में तेज़ी होगी या मंदी होगी, किस तरीके के हालात होंगे, इसके बारे में हम नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि इसको एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट डेवलप होगा उसमें लगभग 3 से 2 साल, 4 साल, 5 साल लग जाएंगे और 5 साल बाद उस एस्टिमेट करना कि उस वक्त का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा, मार्केट एनवायरनमेंट क्या होगा, बहुत मुश्किल है। तो कई तरह के रूल्स और रेगुलेशंस भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड आज बहुत ज़्यादा हो, आज से 3 साल बाद उस प्रोडक्ट की खास डिमांड ना हो। थर्ड रिस्क आता है आपका प्रोडक्ट रिस्क। प्रोडक्ट रिस्क में जो है, जो आपका प्रोडक्ट है वो जो है, अगर मान लीजिए वो कमर्शियली वाइबल नहीं हुआ या प्रोडक्ट जो है आपने जो आइडिया सोचा था लेकिन जब वो बनाने गए तो वैसे आइडिया के अकॉर्डिंग नहीं बना, वो कुछ अलग ही बन गया, या फिर वो बना लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना तो काफ़ी कमर्शियली इनवाइबल हो जाता है, या फिर हो सकता है उस प्रोडक्ट को जो कस्टमर है वो ना पसंद कर दें, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। चौथा रिस्क आता है आपका ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क से मतलब है कि जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो वर्किंग का स्टाइल है वो कितना इफेक्टिव है। अगर उनका वर्किंग स्टाइल काफ़ी इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी और आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अगर उनके बीच में तालमेल नहीं है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है जो कि ऑपरेशनल रिस्क है। यानी कि इस हाई रिस्क को हम 4 कंडीशंस में आगे सब कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 जो आपका आता है मैनेजमेंट रिस्क, मार्केट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। कम टू द सेकंड, इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड कैपिटल गेंस। ध्यान रहे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो इक्विटी में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि वो कंपनी को लोन नहीं प्रोवाइड करता, जनरली वो कंपनी की इक्विटी बाय करता है। इसके लिए हम सेबी ने रूल्स बना रखा है कि किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो 49% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, यानी कि जो मेजॉरिटी स्टेक है वो हर हाल में मेन प्रमोटर यानी कि जो कंपनी को इस्टेब्लिश करने वाला है उसी के पास रहेगा। तो यानी कि वो इक्विटी बाय करता है और इक्विटी जो बाय की जाती है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए की जाती है। दूसरा, स्टार्टअप कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि इक्विटी पे क्या दिया जाता है, डिविडेंड। इंटरेस्ट तो पे नहीं करना होता। अब डिविडेंड कब दिया जाता है? अगर कंपनी को अच्छे प्रॉफिट होंगे तो कंपनी डिविडेंड देगी, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट कम होंगे तो डिविडेंड नहीं देगी। दूसरा, इसका अनदर पार्ट है कैपिटल गेन, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट को फिर फ़ायदा कब होगा, कैसे वो कमाएगा? देखिए, जब वो पैसा लगाता है तो बहुत जो बिजनेस है वो स्टार्टिंग लेवल पे होता है, लेकिन जब बाद में बिजनेस ग्रो कर जाता है तो उसको फिर कंपनी लिस्ट करवाती है। जब लिस्ट करवाती है तो नचीबत तो उस शेयर्स के प्राइस काफ़ी हाई होते हैं, तो वहाँ पर जो है वेंचर कैपिटलिस्ट उन शेयर्स को बेचकर अपने पैसे को निकाल लेता है, उसको ह्यूज अमाउंट में कैपिटल गेन होता है। थर्ड आता है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया गया है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो एक पैसिव नहीं है, पैसिव इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि एक्टिव इन्वेस्टर है। यानी कि वो ना केवल इन्वेस्टमेंट करता है बल्कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है ये डे टू डे वर्क में नहीं है। यानी कि जो कंपनी को जो मेजर डिसीजन लेने होते हैं, कंपनी को जहाँ एडवाइस की ज़रूरत होती है, कंपनी को जहाँ पर कुछ सोचना होता है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जो है वेंचर कैपिटलिस्ट आपको काफ़ी एडवाइस देता है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। नंबर 4th आता है लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान रहे जो वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाता है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए लगाता है, जनरली इसका पीरियड 3 से 10 साल के लिए होता है और इससे पहले वो नहीं निकाल पा सकता। तो इनकी जो लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बड़ी होती है और ये इन्वेस्टमेंट क्योंकि इसीलिए लगाया जाता है कि कंपनी ग्रो करे, और कंपनी को ग्रो करने में एक स्टार्टअप कंपनी को काफ़ी टाइम लगता है। जब वो कंपनी ग्रो कर पाती है, जब वो लिस्ट हो जाती है, उससे पहले वो अपने आप को एग्जिट नहीं कर सकता वेंचर कैपिटलिस्ट। नंबर 5th आता है इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि ये तरल नहीं है, इसको आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि 4th में डिस्कस किया गया, काफ़ी इसकी जो लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट है काफ़ी लंबे टाइम के लिए होती है, तो ये जो इतना आसान नहीं होता इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इसलिए ना तो इसमें कोई ऐसा कोई शेड्यूल दिया होता है, स्केड्यूल कि आपको इतने टाइम पीरियड में इतना पैसा आपको मिल जाएगा,
तो ना तो कोई रीपेमेंट का कोई रूल होता है, जो एग्जिट रूट होते हैं वो भी काफ़ी टिपिकल होते हैं। हाँ, जो एक तरीके से एग्जिट के दो ही ऑप्शंस वेंचर कैपिटलिस्ट के पास अवेलेबल होते हैं, एक जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो अपना शेयर बेच कर एग्जिट कर जाएगा, दूसरा जो कि बहुत रेयर होता है कि कोई अनदर एंकर इन्वेस्टर है वो उस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है, उसको लगता है कि फ्यूचर इसका काफ़ी ग्रो कर सकता है, तो वो एंकर इन्वेस्टर जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट का शेयर बाय कर लेता है, इससे भी वेंचर कैपिटलिस्ट एग्जिट कर जाता है। नंबर सिक्स, हाईटेक। ध्यान रहे, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो हर एक नॉर्मल आइडिया के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रिस्क उठाता है, तो नेचुरली बात है जो आइडिया है वो आपका काफ़ी इनोवेटिव होना चाहिए, यानी कि जो हाईली टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ होते हैं, काफ़ी इनोवेटिव होते हैं, उन्हीं में ही वेंचर कैपिटल पैसा लगाता है। जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, आजकल हम बाइक को यूज़ करते हैं, रोड पे जाते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक जैम मिलता है। इन फ्यूचर मान लीजिए कोई ऐसी बाइक बना देता है जो थोड़ा समय के लिए हवा में उड़ सकती है, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, नेचुरली बात है ट्रैफिक जैम से आप बच सकेंगे। तो इस तरीके के अगर कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन ध्यान रहे ये आइडिया काफ़ी रिस्की होते हैं, क्योंकि ये हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो आइडिया है वो काफ़ी हटकर है, एक नॉर्मल आइडिया से हटकर है, तो उसमें तो वेंचर कैपिटल पैसा लगाएगा, लेकिन एक नॉर्मल आइडिया, अब इतने ऑलरेडी देखिए आप इतने साबुन बन रहे हैं, इतने टूथपेस्ट बन रहे हैं, और आप भी ये कहेंगे जी मैंने एक साबुन बनाना है और इसके लिए आप वेंचर कैपिटलिस्ट को कहेंगे आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, तो मुझे नहीं लगता कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट है वो आपके आइडिया में इंटरेस्ट दिखाएगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ वेंचर कैपिटल, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। नंबर वन, प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइज। देखिए जो एंटरप्राइज है उसको प्रमोट करना होता है, एक तरीके से उसको एक स्टार्टअप देना होता है, तो स्टार्टअप देने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले जो है कंपनी जो है आइडिया जनरेट करती है, और उस आइडिया को जनरेट करने के लिए कंपनी क्या करती है, सर्वे करती है, जिससे कि वो अपॉर्चुनिटी को पहचान सके। अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर लेने के बाद वो क्या करती है, उसके बाद एस्टिमेशंस करती है, फोरकास्टिंग करती है कि क्या ये प्रोडक्ट चल पाएगा, इसकी कितनी सेल होगी एटसेट्रा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है अपनी कंपनी के, कि क्या हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेने के बाद पॉलिसीज बनाती है कि किस तरीके से हम इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर पाएंगे, रीच कर पाएंगे। उसके बाद लोकेशन तय करती है कि कहाँ पर हम अपना बिजनेस एंटरप्राइजेस चलाएंगे। जब लोकेशन भी तय हो जाती है उसके बाद लेआउट तय करती है, यानी कि जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो तय करती है, और फाइनली कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और सो एनी अदर एक्ट। तो ये सारे वर्किंग करनी होती है, और इन सब एक्टिविटीज़ के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिया जनरेशन, फोरकास्टिंग, लेआउट, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए इवन द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इन क्योंकि इस टाइम में रिवेन्यू तो आपके पास कोई जनरेट नहीं होगी, लेकिन आपका खर्चा होगा, तो नेचुरली इस सब एक्टिविटीज़ के लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए, और वो पैसा कौन देगा, वेंचर कैपिटलिस्ट देगा। इसको हम सीडिंग स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अब है अभी ज़मीन में कुछ नहीं है और उसमें अब क्या डाला जा रहा है, बीज डाला जा रहा है। सेकेंड में करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ फर्म। यहाँ पर जो फर्म है वो अपना आपको फॉर्मुलेट करती है, यानी कि उसका लेआउट तय हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब फर्म को ये तय करना है कि उसका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, पार्टनरशिप होगी, कंपनी होगी, या कोई और फॉर्म, क्योंकि जो फॉर्म है वो तय करता है कि उस कंपनी को कितनी कैपिटल की जरूरत होगी। अगर सोल प्रोप्राइटर होगी तो नेचुरल बात है उसको कम पैसे की जरूरत होगी, पार्टनरशिप में जब ज़्यादा पैसे की जरूरत होगी, और अगर मान लीजिए इन द फॉर्म ऑफ कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको ह्यूज अमाउंट जरूरत पड़ेगी। और इसी में ही आपको एक और तय करना होता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपके जो प्रोडक्शन का स्केल क्या होगा, आप लोअर लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे, हाई लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे। मान लीजिए आपकी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ का दायरा है वो एक सिटी तक या एक स्टेट तक सीमित है, तो नची बात आपको कम पैसा चाहिए, लेकिन आपका जो दायरा है वो एक नेशन या इंटरनेशनल तक है, तो नची बात आपका जो प्रोडक्शन का स्केल है वो काफ़ी लार्ज होगा, और उसके लिए पैसा भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में चाहिए होगा। थर्ड, द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब इस स्टेज में जो है कंपनी जो है प्रोडक्ट को बनाने की स्टेज पर आ गई, अब कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, नेचुरली रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए,
उन मशीन को सेटअप करना है, इन सब चीज़ के लिए भी कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो नेचुरली बताए इस स्टेज में कंपनी को मशीन्स बाय करने के लिए, उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। फोर्थ, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। देखिए किसी भी कंपनी का जो बेस है वो मैनेजमेंट है। जो कंपनी को जो मैनेज करते हैं, जो कंपनी को लीड करते हैं, वो किस तरीके के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कंपनी के लीडर काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है, काफ़ी लॉन्ग टर्म का उनका व्यू रहता है, उनका विजन काफ़ी अच्छा है, तो नेचुरली बात वो कंपनी काफ़ी ग्रो करती है। तो इस हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट को एक्वायर करने के लिए, हायर करने के लिए, प्रोफेशनल हायर करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक तरीके से रिलेशनशिप सेट करते हैं कि कौन बॉस होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाएगी, किस तरीके से ऑर्डर दिए जाएंगे। एंड कंट्रोल, कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि जो वर्किंग है वो प्रॉपर चल रही है, जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर हो रहा है, प्रोडक्शन की क्वालिटी बेटर है, जिसके लिए हमें कई हाईली टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होता है, जैसे लाइक सीसीटीवी कैमरास एटसेट्रा। और इन सब एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इस स्टेज पे भी हमें वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा प्रोवाइड करता है। फिफ्थ स्टेज आती है आपकी मार्केटिंग स्टेज। मार्केटिंग स्टेज, आपका प्रोडक्ट बन गया, अब इस प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, बाजार में लॉन्च कर रहे हैं, इसको बेचना शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपको क्या क्या करना होता है, नेचुरली बात उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, उसके बारे में आपको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, इनके बारे में आपको अमाउंट खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ब्रांड इस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं है। आपको ये तय करना होता है कि हमें अपने खुद के ब्रांड्स के अंडर में बिजनेस करना है या अपने मिडल मैन के थ्रू अंडर में ब्रांड में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। इसके अलावा पैकेजिंग इनोवेटिव होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर जो है वो पैकेजिंग से बड़ा प्रभावित होता है, और कई जो कंट्रीज़ हैं उनके में काफ़ी ला बने हुए हैं लेबलिंग से रिलेटेड, कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर देनी पड़ेगी, पैकेजिंग के ऊपर देनी पड़ेगी। और इन सब चीज़ के लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मार्केटिंग स्टेज है वो प्रोडक्शन के जस्ट आफ्टर है। अगर मार्केटिंग स्टेज और प्रोडक्शन स्टेज का जो गैप है वो कम है, यानी कि पैसा जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा, तो आपको नेचुरली बात है कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इनके बीच का जो गैप है, यानी कि जो प्रोडक्शन स्टेज से कैश में, यानी कि आफ्टर सेल और सेल्स टू कैश कन्वर्ट होने का जो टाइम गैप है वो काफ़ी बड़ा है, तो नेचुरली बात आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर सिक्स, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट में क्या है, आपने मार्केटिंग पढ़ी होगी पीछे, मार्केटिंग में आपने सुना होगा कि प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में आता है, फिर ग्रोथ स्टेज में आता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज में आता है, और अल्टीमेटली डिक्लाइन स्टेज में आता है। तो हर एक प्रोडक्ट जो इंट्रोडक्शन स्टेज में आया है वो कभी ना कभी तो डिक्लाइन स्टेज में आएगा। तो इस कंपनी को, हर कंपनी को ये समझना होता है कि जिस प्रोडक्ट पे वो आज चला रही है, जिस प्रोडक्ट से आज वो पैसा कमा रही है, कल ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन स्टेज में आएगा और ये प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। तो ऐसे वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं रह सकती, इसलिए हर कंपनी नए नए प्रोडक्ट डेवलप करती है, यानी कि उसके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो चल रहा है लेकिन वो एक नए प्रोडक्ट पे वर्क करना शुरू कर देती है। दैट इज़ द डेवलपमेंट। एक्सपेंशन, हर एक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, नए नए सेगमेंट्स में जाना चाहती है, नए नए मार्केट्स में एंटर करना चाहती है, तो जिससे क्या होता है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। डाइवर्सिफिकेशन में होता है कि अपने रिस्क को किसी पर्टिकुलर एरिया से डाइवर्सिफाई करना, उसको कई जगह में बांट देना। इसके लिए कंपनी क्या करती है, पहले जिस प्रोडक्ट लाइन में काम कर रही थी किसी नए प्रोडक्ट लाइन में एंट्री करती है। अब जस्ट लाइक सैमसंग एक कंपनी है, अब सैमसंग क्या बनाती है, उसकी कई प्रोडक्ट लाइन है, वो नचीब तो वॉशिंग मशीन भी बनाती है, मोबाइल भी बनाती है, एसी भी बनाती है, तो उसकी कई प्रोडक्ट लाइन, तो उसका जो रिस्क है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। तो इन डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है, जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड करता है। सेवन्थ, लिस्टिंग ऑफ कंपनी एट द स्टॉक एक्सचेंज। अब तक की जो ऊपर जो सिक्स स्टेज थी, इन सब में पैसों की जरूरत थी, इवन जो सेवन्थ स्टेज है इसमें भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। कंपनी जो है अपने जो कंपनी को लिस्ट करवाना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके लिए वो क्या करती है, IPO लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसके थ्रू वो पब्लिक को शेयर्स बेचती है। लेकिन शेयर जब बिकेंगे और पैसे आएंगे, उससे पहले की भी बहुत सारी स्टेज होती है। सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके लिए पहले ड्राफ्ट तय करना पड़ता है, कंपनी को इसके लिए एक तरीके से एडवर्टीजमेंट बहुत करना पड़ता है,
फिर कहीं जाके जो है शेयर लिस्ट होते हैं और उसके बाद कहीं जाके कंपनी के पास पैसा पहुंचता है। इसे हम एक तरीके से ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं। तो ये ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है जो वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड करता है। आपका अपना बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड कोई भी आपके सुझाव हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पास करिए। थैंक यू।